हर दिन की शुरुआत इसी भाव के साथ करना चाहिए कि हे प्रभु, बीते जिन दिनों में हमने जितना आपको स्मरण किया, याद किया, आज और उनसे अधिक याद कर पाए ऐसी हम पर कृपा करिए। ऐसा भाव मन में रख कर के कुछ भी दिन, तिथि, वर्ष, जिसकी भी शुरुआत करोगे वो अपने आप भगवत में बन जाएगा, भगवान में बन जाएगा। और चाहे दिन हो, चाहे महीना हो, चाहे साल हो, चाहे जीवन हो, धन्य वही है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। हरि नाम बिना नर कैसा है, हरि नाम के बगैर जीव कैसा है, जैसे जग में खोटा पैसा है, जैसे बिना नमक की रसोई है। बिना नमक के रसोई का क्या लाभ, वैसे बिना हरि भजन के जीवन का भी क्या लाभ। कोई कहे जी आपको पता नहीं, कमाई करना, धन कमाना, परिवार बनाना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो संग संग चल ही रहा है, ये तो चलेगा ही। कोई ना भी कहे तब भी ये काम तो हम करेंगे ही, पैसा कमाएंगे, नौकरी धंधा करेंगे, परिवार, बाल बच्चे सब होगा। तो ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो एक जीवन का प्रवाह है, सबका चलता है, मानवों का चलता है तो पशुओं का भी चलता है। अगर मानव घर बनाता है तो पशु भी बनाता है, पक्षी भी बनाता है, और चिड़िया हमसे 100 गुना अच्छा घर बना लेती है। हमारे बनाए घर में फिर भी लीकेज आ जाएगी, पर देखो तिनके का घोंसला बनाए वाटर प्रूफ एकदम, कहीं एक बूंद पानी भीतर नहीं जा सकता। अगर पशु की और मानव की आपस में कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो हर चीज में जो दूसरे प्राणी वो हमसे कई गुना आगे हैं। अगर तेज दृष्टि की बात की जाए तो चील से ज्यादा तेज दृष्टि किसकी होगी। अगर बात भागने की करी जाए तो उस चीता से ज्यादा तेज थोड़ी भाग सकते हैं हम। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे अगर आप तुलना करोगे तो लगेगा कि मानव के पास तो कुछ है ही नहीं, पर एक चीज मानव के पास है जो किसी पशु और पक्षी के पास नहीं है। पशु पक्षी खा सकते हैं, सो सकते हैं, सो मानव भी कर सकता है। मानव परिवार बना सकता, भोग वासना कर सकता, वो पशु भी कर सकता है। मानव परिवार चला सकता, वो पशु भी चला सकता है। मानव मैं मेरा मेरा करता, वो पशु भी कर सकता है। लेकिन जो मानव अपनी विवेकी बुद्धि को लगा करके जो मानव भजन कर सकता है, हरिनाम कर सकता है, वो पशु नहीं कर सकता। कोई एक अलग एक आध उदाहरण अपवाद में आ जाए, अलग बात है। पूर्व जन्म की किसी की भक्ति हो तो वो तो पशु योनि में भी संग जाती है, पर विशेषकर कभी किसी गधा घोड़ा को हमने माला लेके माला करते नहीं देखा होगा। किसी पशु मानवों के लिए कथा होती है, पशुओं के लिए कोई कथा नहीं होती। कहीं आपने सुना कि सब पशुओं को बांधा जाए और वो कथा सुन रहे, और उनको जरूरत भी नहीं है पशुओं को, क्योंकि प्रकृति ने उनको जैसा बनाया वो वैसा जी रहा है। गधे को भगवान ने गधा बनाया, वो गधा जैसा ही जन्म लेता है, गधा जैसा ही व्यवहार करता है और गधे जैसे ही मर जाता है। एक कुत्ता को भगवान ने कुत्ता बना के जन्म दिया, वो कुत्ता जैसा जिया और कुत्ते जैसे उसकी मृत्यु हो गई। हर एक पशु जैसा जन्म लेता है, जैसा प्रकृति ने उसका व्यवहार वैसा वो कर रहा है। बस एक मानव ही है जो जन्म तो इंसान बन के लेता है, लेकिन बाद में पता नहीं हैवान भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है। पाप करेगा तो उसकी श्रेणी तो गधा में ही होगी ना। आजकल देखो नारियों पर अत्याचार करना, ये हैवान को ये पशुओं से कम थोड़ी है, कुछ भी बन गया। और प्रयास करिए
कि पूर्व में जितना हमने ठाकुर जी का स्मरण किया, जितना सत्संग सुना, अब और सुनेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा और भगवान की भक्ति करेंगे, ताकि हम पे भगवान और प्रसन्न हो। देखो, दुनिया की प्रसन्नता तो हम हमेशा चाहते हैं, दुनिया हमें देख करके प्रसन्न हो, हमारे कपड़ों को देख करके खुश हो, हमारे घर को देख के खुश हो, हमारे आभूषणों को देख करके खुश हो, पर ठाकुर जी हमें देख करके खुश होंगे कि नहीं होंगे, उनको हमें देख करके अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारे कर्मों से उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, ये हम नहीं सोचते। दुनिया की नज़र में आने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, पर ठाकुर जी की नज़रों में आने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया की नज़रों में आने की तो हम दिन रात कोशिश करते हैं, पर जो ठाकुर जी की दृष्टि में आ गया, जो उनकी नज़रों में आ गया, फिर उसको दुनिया की दृष्टि में आने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो भगवान की दृष्टि में आ गया, बस उसका काम हो गया। भगवान की दृष्टि में कैसे आएंगे बताइए, बोलिए ना, कैसे आएंगे भगवान की दृष्टि में? अच्छे कपड़े पहन के? फिर है भक्ति करके? अच्छा, एक दो दोस्त थे, दो मित्र थे, उनमें से एक जो था वो अंधा था, तो अंधा जो मित्र है उसको अपने दूसरे जो आंख वाला दोस्त है उससे मिलने का मन किया कि भाई बहुत दिन हो गए कभी यार बैठे नहीं, दो दोस्त बात नहीं हुई, तो वो अपने आंख वाले मित्र से मिलने आया, गपशप करी, सुबह से शाम हो गई, कब रात हो गई पता ही नहीं लगा, सूरज ढल गया। तो जब वो अंधा मित्र बोला भैया अब रात हो गई अब हम घर चलते हैं, तो जैसे वो घर जाने लगा तो उसने अपने हाथ में एक लालटेन ली, लैंप लिया और उसको लेकर के चलने लगा। तो आंख वाले मित्र ने उससे कहा कि भैया देख बुरा मत मानना, पर ये लालटेन की तुझे क्या जरूरत, क्योंकि तेरे लिए तो देख दिन में भी अंधेरा ही है, रात में भी अंधेरा है, जब आँखें ही नहीं तो इस लालटेन की क्या जरूरत है। तो उस अंधे ने हंस के उत्तर दिया कि भाई साहब ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये लालटेन उन आँख वालों के लिए है, जब मैं जाऊँ मुझे कोई ना दिखे वो तो ठीक है, पर मैं किसी को दिख जाऊँ इसलिए मैं ये लालटेन लेकर के जा रहा हूँ कि मेरे ऊपर किसी की दृष्टि पड़ जाए। वैसे ही ये सात दिन की जो कथा है, हमें भगवान दिखे न दिखे पता नहीं, पर ये सात दिन की भागवत रूपी लालटेन लेकर के जब निकलोगे ना तो तुम्हें वो दिखे ना दिखे पर ठाकुर जी की दृष्टि हम पर जरूर पड़ जाएगी, और भगवान की दृष्टि पड़ते ही काम बन जाएगा। भगवान की नज़र पड़ी और ठाकुर जी की दृष्टि तभी पड़ती है जब आप सत्संग में बैठते हैं, जब आप किसी गौशाला में जाते हैं, जब आप उनके धाम में श्री धाम वृंदावन में जाते हैं, तब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है। इस विश्वास को जरा भी डगमगाने मत देना, पूर्ण विश्वास जब तक नहीं करोगे कि कृपा अवश्य करेंगी स्वामी, मैं इस रास्ते पे बस चलता रहूं, मैं भजन करता रहूं, कृपा होगी, जरूर होगी, अवश्य होगी, ये विश्वास जब तक मन में नहीं जागेगा तब तक भक्ति का कोई लाभ नहीं हुआ। आजकल हम कहते हैं हम भजन करते हम बड़े धार्मिक हैं, पर विश्वास कहाँ है हमारा भगवान के चरणों पे? बार बार डगमगाता रहता है, हिलता रहता है, उस भगवान से विश्वास हिल गया, दूसरे के पास पहुंच गए, दो चार दिन दूसरे पर विश्वास रखा, फिर वो भी जचा नहीं, फिर तीसरे के पास पहुंच, ये कोई भरोसा है? ये कोई भक्ति है? ये कोई भजन है कि यहाँ ताई भटकते रहते हो? एक एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आशा और एक ही से विश्वास। अब वो डुबाए
चाहे गिराए चाहे संभाले। सजदे में सर झुक गया तो फिर उठना हराम है, फिर वहां से हटेंगे नहीं, चाहे मर जाएंगे, प्राण चले जाएं जाए, पर वहां से विश्वास नहीं हटेगा। ये होता असली भरोसा, असली। और हमारा तो हर दिन टूटता, हर दिन बदलता है। सनातन धर्म में देवी देवताओं की भी कोई कमी नहीं है, 33 कोटि देवता हैं। आज ये नहीं सुन रहा इसको पकड़ लो, आज ये अच्छा नहीं लग रहा दूसरे वाले के पास पहुंच जाओ, पर ये वो करते हैं जिनको भगवान से प्रेम नहीं है। बस उनको शंकर जी से थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा हनुमान जी से चाहिए, थोड़ा देवी दे दें तो भी ठीक है, थोड़ा गणपति जी दे दें, बस वो लेने के लिए ही बस यहाँ तहाँ मंदिरों में घूमते। माफ करना मेरी बात, किसी को बुरी लगे तो लगे, जो शास्त्र कह रहा है, जो भागवत जी कह रही है, जो भक्ति रसामृत सिंधु कह रही, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। जब तक तुम्हारी सब अभिलाषाएं शून्य नहीं हो जाएंगी ना, जब तक तुम्हारी सब इच्छा जीरो ना हो जाए, जड़ से खत्म ना हो जाए, एक इच्छा बचे बस कृष्ण दर्शन लालसा, इसके अलावा कोई इच्छा ही ना बचे, सब इच्छा निर्मूल हो जाए। आसान नहीं, ये तो सही है कि इच्छा खत्म होना आसान नहीं होता किसी के लिए भी, लेकिन अरे भगवान को, देवी देवताओं को तो कम से कम बख्श दो। आप कहोगे अरे भगवान से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे, भगवान से मांगने की जरूरत ही क्या है आपको, भगवान से बेहतर आप थोड़ी डिसाइड कर सकते कि आपके लिए क्या अच्छा है। हमारी बुद्धि इतनी सी है और भगवान की बुद्धि विशाल है। हमारी बुद्धि से वो देंगे तो बहुत छोटा मांगेंगे हम, और अगर उनकी बुद्धि से कहोगे कि प्रभु आप अपनी मर्जी से जैसा रखना है, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए, तो कृपा अवश्य करेंगी स्वामी। कर मन दृढ़ विश्वास, विश्वास मन में होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आपको लाखों आएंगे बहकाने वाले, तंत्र वाले, मंत्र वाले, षड्यंत्र वाले, सब भटकाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ हमारे पास, हम तुमको ये दे देंगे, ये बांध लो घर में, डाल दो, छिड़क दो, काम बन जाएंगे, बिगड़े बगड़ाए तुम्हारी फैक्ट्री चालू हो जाएगी। फिसलना मत उसमें, अगर भक्ति चाहते हो तो, भक्ति नहीं चाहते तो बहुत रास्ते हैं दुनिया में, भटकते रहो। आज तक किसकी इच्छा पूरी हुई है? और मैं तो हमेशा कथा में कहती हूँ, भैया मेरी टूटी फूटी वाणी में कथा सुनोगे तो केवल भक्ति, और वो भी निष्काम भक्ति, यही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे प्राप्ति यही हुआ है गुरु चरणों से और संतों के मुख से, उनकी वाणी से बस एक ही चीज प्राप्त हुई, भजन, भक्ति, निष्काम भक्ति। निष्काम भजन करते रहो बस, उन पे छोड़ दो सब, उन पे डाल, उन पे भरोसा रखो।